बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट वन केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर फाइव एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर फाइव का इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे और कैथोड रेज की डिस्कवरी पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर फाइव में हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नाउ व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम? स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज बेस्ड अपॉन इट्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड वी नो दैट देयर आर थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच आर द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम। दे आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये हमने चैप्टर नंबर वन में चीज पढ़ी हुई है कि सबसे फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इसके अलावा 100 से भी ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमें इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जो है वो जानना पड़ेगा। इनको जानने के लिए हम सबसे पहले कैथोड रेज की डिस्कवरी पढ़ते हैं, विच वर लेटर ऑन कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय, अब कैथोड रेज जो है इनको डिस्कवर किया सर विलियम क्रूक ने। सर विलियम क्रूक डिस्कवर्ड कैथोड रेज इन 1886। 1886 में सर विलियम क्रूक ने कैथोड रेज डिस्कवर की। इसने कैसे कैथोड रेज डिस्कवर की? ही परफॉर्म डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? डिस्चार्ज ट्यूब एक ट्यूब है ऐसी बनी हुई जो दोनों एंड से क्लोज है, ये दोनों एंड से बंद होती है और इसके अंदर गैस भरी हुई है किसी भी प्रेशर के ऊपर। गैस भर लें या फिर आप वेपर्स भर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के, या फिर इसके अलावा इसमें आप क्या ले सकते हैं जी, इसमें एयर भी ले सकते हैं किसी भी प्रेशर पे, ऑर्डिनरी प्रेशर पे। इट इज आल्सो प्रोवाइडेड विद टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स। दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा कैथोड है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज बैटरी और वोल्टेज 5000 to 10000 volts। ये बहुत ज्यादा वोल्टेज है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ गए हैं वो अप्लाई करोगे। A vacuum pump is also there in discharge tube. It is to measure or to determine electric discharge at any value of low pressure. ये आपने याद रखना है कि गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। कब गैसेस कंडक्ट नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी? जब उनका प्रेशर जो है वो हाई हो। गैसेस का अपना प्रेशर जो प्लेयंस की वजह से होता है, आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेशर, एक गैस पे अप्लाइड प्रेशर है और एक गैस का अपना प्रेशर है। गैस का जो अपना प्रेशर होता है इट इज ड्यू टू रैंडम मोशन एंड कोलिजंस। कोलिजंस अमंग देमसेल्व्स एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। तो यहां पे बात हो रही है गैस के अपने प्रेशर की। वो प्रेशर किस वजह से होगा? कि गैस के मॉलिक्यूल्स यहां पे आपस में भी टकराएंगे और इस डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स के साथ भी टकराते हैं, इस वजह से उनका प्रेशर। तो हम इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस मेजर कर सके, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेजर कर सके एट एनी वैल्यू ऑफ लो प्रेशर, इसलिए हमने क्या यूज किया हुआ है? वैक्यूम पंप। तो ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है। सर विलियम क्रूक ने ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब जो है उसको यूज किया और कैथोड रेज को जो है वो डिस्कवर किया। सर विलियम क्रूक ने डिस्चार्ज ट्यूब में, व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब? Discharge tube is a tube which is closed from both ends, provided with two metallic electrodes. It is filled with a gas, vapors of a substance or air at any desired pressure. Both the electrodes are connected to high voltage battery. A vacuum pump is also there to measure the electric discharge at any value of low pressure. बड़ा important MCQ है आपके लिए कि आपसे पूछा जाएगा कि gases conduct करती हैं electricity के नहीं? आपको पता होना चाहिए कि गैसेस कंडक्ट कर सकती हैं इलेक्ट्रिसिटी जब उनका प्रेशर लो होता है। लो प्रेशर पे गैसेस कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑर्डिनरी प्रेशर पे गैसेस जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकेंगी इलेक्ट्रिसिटी। अब बेसिकली कंडक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये है कि अगर कोई आपके पास कैथोड रे है, अगर कोई आपके पास इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, तो वो इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से एनोड तक जा सके, इसे आप क्या कहते हैं जी? कंडक्शन हुई है। यहां पे मीडियम क्या होगा? गैस।
गैस कंडक्ट नहीं करेगी इलेक्ट्रिसिटी हाई प्रेशर पे, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स क्राउडेड होंगे, वो स्पेस नहीं देंगे, बल्कि वो पीछे की तरफ पुश करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, हिंडर करेंगे इलेक्ट्रॉन के मोशन को, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से एनोड की तरफ नहीं जा पाएगा। इस वजह से हमें प्रेशर को लो करना पड़ेगा। ये तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन थी डिस्चार्ज ट्यूब की। अब वर्किंग कैसे थी, कैसे उसने इसको डिस्कवर किया, इसकी वर्किंग है डिस्चार्ज ट्यूब की। अब एट ऑर्डिनरी प्रेशर कुछ भी नहीं हुआ। जब उसने विलियम क्रूक ने ऑर्डिनरी प्रेशर पे जो है हाई वोल्टेज अप्लाई की दो प्लेट्स के दरमियान, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस नहीं हुई। एट ऑर्डिनरी प्रेशर नो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक प्लेस। ऑर्डिनरी प्रेशर आप फर्ज करो कि आपके पास 760 टॉर है, 760 टॉर, नो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट ऑर्डिनरी प्रेशर। ही रिड्यूस द प्रेशर, उसने प्रेशर को कम किया, प्रेशर को ले आया 0.1 टॉर पे। जब 0.1 टॉर प्रेशर किया गया इन साइड द डिस्चार्ज ट्यूब, प्रेशर ऑफ गैस इज 0.1 टॉर, तो फिर यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस हुआ। यूनिफॉर्म ग्लो के, व्हाट इज ग्लो, इट इज इंटेंस कलर्ड लाइट। ये ऐसी लाइट है जो कलर्ड होगी और इंटेंस होगी, और ये यूनिफॉर्म ग्लो जो होगा ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म ग्लो से मतलब है कि ये जो ग्लो प्रोड्यूस होगा ये एक साइड पे या दरमियान में डिस्चार्ज ट्यूब के या दूसरी साइड पे ज्यादा या कम नहीं होगा, बल्कि ये एक जैसा होगा इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो जब प्रेशर को कम किया गया तो यूनिफॉर्म ग्लो पैदा हुआ। प्रेशर मजीद कम किया गया 0.01 टॉर, और हाई वोल्टेज जब 5000 से 10000 वोल्ट की अप्लाई की गई तो फिर रेज प्रोड्यूस हुई फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड। ये रेज जो है ये सरफेस ऑफ कैथोड से जो है वो ओरिजिनेट कर रही थी, निकल रही थी और ट्रेवल कर रही थी टुवर्ड्स एनोड। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड कैथोड रेज। इस वजह से इनको कैथोड रेज कहा गया। और ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं जब ये ग्लास वॉल से टकराएंगी, ग्लास की वॉल से जब टकराएंगी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी। ये इंटेंस कलर्ड लाइट होती है, और फ्लोरेसेंस का कलर जो है ये डिपेंड करेगा कंपोजिशन ऑफ ग्लास। ये कंपोजिशन, नो व्हाट इज मेड बाय कंपोजिशन, की ग्लास किस चीज का बना हुआ है। ग्लास इज बेसिकली MXSIO3Y, ये ग्लास का फॉर्मूला है। दीज आर मेटेलिक सिलिकेट्स, ये मेटेलिक सिलिकेट्स होते हैं। अब सिलिकेट तो सब में कॉमन है, मेटल जो है वो चेंज होती है। कभी आप मेटल सोडियम ले लेते हो, कभी आप एल्यूमिनियम ले लेते हो, कभी आप टिन ले लेते हो, कभी आप कॉपर ले लेते हो। तो डिफरेंट मेटल्स जब आप यूज करोगे तो फिर डिफरेंट कलर्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे फ्लोरेसेंट की। और ये फ्लोरेसेंट कब प्रोड्यूस होगी, जब कैथोड रे जो है वो टकराएगी ग्लास बॉल के साथ। तो ये आज का हमारा जो है वो टॉपिक था। इसे एक दफा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स। सर विलियम क्रूक्स ने कैथोड रेज डिस्कवर की 1886 में। इसने परफॉर्म किए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। डिस्चार्ज ट्यूब एक ट्यूब होती है जो ग्लास की बनी होती है और दोनों एंड से क्लोज होती है। इसके अंदर आप किसी भी प्रेशर पे जो है एयर वेपर्स ऑफ एनी सब्सटेंस या फिर कोई गैस जो है वो फिल करोगे। It is also provided with two metallic electrodes which are connected to high voltage battery of potential difference 5000 to 10000 volts. It is also provided with a vacuum pump to measure or to determine the electric discharge at any value of low pressure. जब observe किया उसने कि क्या हुआ जब 5000 से 10000 volts में apply किए, तो basically ये range है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपने देखनी है कि ये रेंज है। अब ये रेंज क्यों है, इसमें एग्जैक्ट वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगी। एग्जैक्ट वोल्टेज दो चीजों पे डिपेंड करेगी। नंबर वन, लेंथ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब की लेंथ पे, और नंबर टू प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड। गैस का प्रेशर जो है वो जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा आपको वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी, और इसी तरह लेंथ जितनी ज्यादा होगी डिस्चार्ज ट्यूब की उतने ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतनी जब वोल्टेज अप्लाई की गई ऑर्डिनरी प्रेशर पे तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं हुआ। प्रेशर को रिड्यूस किया गया विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप की मदद से 0.1 टॉर जब प्रेशर हुआ तो यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस हुआ। प्रेशर मजीद कम किया गया और 0.01 टॉर कर दिया गया। इस प्रेशर पे यूनिफॉर्म ग्लो डिसअपीयर हो गया
और उसकी जगह पे रेस प्रोड्यूस हुई जो ओरिजिनेट कर रही थी फ्रॉम कैथोड एंड दे आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स एनोड. दैट इज व्हाई दीस आर कॉल्ड कैथोड रेस, क्योंकि ये ओरिजिनेट कर रही थी फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड. अब ये रेस जब टकराती है विद द ग्लास वॉल और वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब तो ये फ्लोरिसेंट प्रोड्यूस करती है. इस फ्लोरिसेंट इस इंटेंस कलर्ड लाइट का जो कलर होता है वो डिपेंड करते हैं ऑन द कंपोजिशन ऑफ ग्लास. होप आपको इंट्रोडक्शन जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये कैथोड रेस की डिस्कवरी अच्छे से समझ आ रही होगी. कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रमोट कीजिएगा. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.